इतिहास दे चुरोके चो प्रोग्राम विच तुहाडा सारयां दा स्वागत है। अज है 7 दिसंबर दा दिन। अज दे दिन दी शुरुआत करदे आं एक अहम घटना दे नाल। 1715 नूं अज दे दिन ही बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरदास नंगल दी गड़ी विचों गिरफ्तार किया गया सी। तुहानूं दस दईए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अखीरली लड़ाई गुरदासपुर तो 4 मील की दूरी दे पछम वाल गुरदासपुर नंगल की गढ़ी विच लड़ी सी। फौज ने गढ़ी अंदर राशन पानी भेजना बंद कर दिता। बाबा जी अते सिंह अन्न पानी ते जंगी साज समान की तंगी के बावजूद भी सिदक दिली नाल जूझते रहे। फौज का गढ़ी दुआले घेरा तंग हुंदा गया ते आखिर दे विच भुखे पाने सिंह 8 महीने की लड़ाई तो बाद 7 दिसंबर 1715 नूं फौज के द्वारा गिरफ्तार कर ले गए। तुहानूं दस दईए कि कैदी सिंघां दा कतलेआम किया गया। शहादतां दा सिलसिला तकरीबन 7 दिनां तक जारी रहा। गुरु दे सिखां नूं धर्म परिवर्तन दे लई मजबूर किया गया, पर सिख अडोल रहे ते धर्म परिवर्तन दी थां ते इन्हां ने शहादत दा जाम पीता। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं वी सख्त तसीहे दित्ते गए ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद करन दा दिन मुकर्रर किया गया। तुहानूं दस दईए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सामने उन्हां दे छोटे जे बच्चे दे दिल नूं कढ़ के उन्हां दे मूंह विच पाया गया सी ते फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दा शरीर गर्म जंबूरां दे नाल नोचिया गया ते उन्हां नूं अमनुखी तसीहे दे के शहीद किया गया। उन्हां दे बाकी साथी सिंघां नूं भी तसीहे दे के शहीद किया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अते होर सिंघां दी शहादत नूं असी कोट कोट प्रणाम करदे हां। 1982 नूं अमरीका दे विच एक कातल चार्लस नूं, जिस नूं के अदालत ने सजाए मौत सुनाई सी, नूं जहर दा टीका ला के खत्म किया गया। तुहानूं दस दईए फांसी दी थां टीका ला के मारन दी इह पहली घटना सी। 1782 नूं मैसूर दे शासक हैदर अली दा देहांत अज दे दिन ही होया सी। 1856 नूं देश विच पहली वार रस्मी तौर ते हिंदू विधवा दा विआह करवाया गया सी। 1877 नूं थॉमस एडिसन ने पहली वार ग्रामोफोन दा प्रदर्शन कीता सी। 1825 नूं भाफ नाल चलन वाला पहला जहाज एंटरप्राइज अज दे दिन कोलकाता पुज्जा सी। 1888 नूं हवा वाली साइकल टायर दी खोज आज दे दिन ही कीती गई सी। आज दे दिन भारत विच मनाया जांदा है फ्लैग डे। असल विच 1949 तो ही हर साल 7 दिसंबर नूं ए दिहाड़ा मनाया जांदा है। इस दिन जिथे साडे राखी करन वाले नौजवानां नूं याद किया जाता है, उत्थे ही कुछ धन भी इकट्ठा किया जाता है, जिसका मुख उद्देश हुंदा है किसी भी युद्ध समय होण वाली हानि विच सहयोग करना, सेना विच काम करन वाले कर्मचारियां ते उन्हां दे परिवार दे कल्याण ते इस तों इलावा रिटायर्ड कर्मचारियां ते उन्हां दे परिवार दे कल्याण दे लई इस धन दा प्रयोग करना। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।